जी, आफ्टर मिड हमने जो टॉपिक कवर करना था उनमें से एक टॉपिक जो है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का है। मिड से पहले हम सुपरवाइज्ड लर्निंग को देख चुके हैं, उसके काफ़ी हमने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम भी कवर कर चुके हैं। सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो बेसिकली जिस तरह से सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है उसमें क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें लेबल्स प्रोवाइड करते हैं, उसकी बेसिस पे वो क्लासेस में लेबल्स पे जो है वो क्लासीफाई कर देता है एल्गोरिथम किसी भी इनपुट डेटा सेट को। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम क्लासेस या लेबल्स प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि ये सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्लस्टर जो बेसिक इसका कंपोनेंट है वो क्लस्टर है। क्लस्टर एनालिसिस हम देखेंगे, क्लस्टर की टाइप्स देखेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ एल्गोरिथम भी हम इसमें कवर करेंगे। सो पहले वर्बली हम इनको देख लेते हैं और उसके बाद रिटन प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूँगी इसकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले तो व्हाट इज़ क्लस्टर एंड क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर बेसिकली जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें ये सेल्फ लर्निंग मेथड होता है, सुपरवाइज नहीं होता, अनसुपरवाइज्ड होता है। इसमें किसी भी किस्म के क्लास लेबल्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, बल्कि डेटा सेट खुद से लर्न करके क्लस्टर्स बनाता है, और जो सिमिलर ग्रुप होते हैं वो एक क्लस्टर में आ जाते हैं। सो सिमिलर टू वन अनदर विद इन द सेम क्लस्टर, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्लस्टर के वो एक दूसरे के साथ जैसे सिमिलर होते हैं एक ग्रुप के अंदर, एक क्लस्टर के अंदर, और डिसिमिलर टू द ऑब्जेक्ट्स इन अदर क्लस्टर्स। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है फ्रेंड्स की, कि जिनका सेम इंटरेस्ट होता है वो एक ग्रुप में आ जाते हैं, और डिफरेंट जो इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट क्लस्टर्स में चले जाते हैं। सो क्लस्टर एनालिसिस जो है ग्रुपिंग अ सेट ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स इनटू क्लस्टर्स, कि किस तरह से किसी भी डेटा को आप उनके इंटरेस्ट या सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस के ऊपर ग्रुप्स में क्लस्टर्स बनाते हैं। इसमें होता है कि इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज होता है, यानी विद इन क्लस्टर जो डिस्टेंस होता है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से वो मिनिमाइज होता है, और इंटर क्लस्टर जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज होता है, यानी कि दूसरे एक क्लस्टर के जो पॉइंट्स हैं या मेम्बर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनका दूसरे क्लस्टर के पॉइंट्स, मेम्बर्स और ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस ज़्यादा होता है, मैक्सिमाइज होता है। अगेन जब डिस्टेंस की बात होती है तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करने के लिए, अगर आपको याद हो तो कुछ हमने फार्मूलाज देखे थे, जिसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस था, मैनहट्टन था, न्यूयॉर्क था, के नियरेस्ट नेबर, जब हमने मिड से पहले सुपरवाइज क्लासिफिकेशन की थी तो उसमें ही हमने ये टॉपिक कवर किए थे। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। अलर्जी एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टर एनालिसिस है कि क्लस्टर कहाँ पर यूज़ होता है। क्लस्टर आपकी क्लास में भी यूज़ हो सकता है, कि बैक बेंचर्स हैं स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है तो वो एक जैसे इंटरेस्ट वाले लोग हैं तो वो सिमिलर इंटरेस्ट की बेसिस पे एक क्लस्टर बना के बैठ जाते हैं, और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं सिमिलर इंटरेस्ट की बेसिस पे वो फ्रंट लाइंस में क्लस्टर बना के बैठ जाते हैं। इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं इसके, ये एप्लीकेशन है क्लस्टर एनालिसिस की, ग्रुप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर ब्राउजिंग, यानी कि सिमिलर अगर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी एक सर्वर पर रख दिए जाएँ ताकि ब्राउज करने में सर्चिंग में आसानी हो। इस तरह से आपको मैंने टॉपिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए दिया है, तो अगर आप एक इंटरेस्ट पे रिसर्च पेपर डाउनलोड करना शुरू करते हो तो वो आपको इजीली जल्दी एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि वो सिमिलर इंटरेस्ट की बेसिस पे उनका क्लस्टर एक जगह बना के रखा गया होगा। इसके अलावा ग्रुप स्टॉक्स विद सिमिलर प्राइस फ्लक्चुएशंस, उन स्टॉक्स को जिनके प्राइस जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, उनको आप एक क्लस्टर में रख सकते हैं। डेटा साइंस की चीज़ें इस तरह से, क्योंकि कौन से, यानी कि पेट्रोल की प्राइस अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उनको आप सिमिलर स्टॉक्स को एक क्लस्टर में रख सकते हैं। ग्रुप जीन्स एंड प्रोटीन्स दैट हैव सिमिलर फंक्शनैलिटी, इसके अलावा अगर हम बायोटेक में देखें, बायोकेम में देखें, तो वो सिमिलर प्रोटीन्स या सिमिलर DNA या सिमिलर जीन्स के बेसिस के ऊपर चीज़ों को आप क्लस्टर कर सकते हैं। फर्दर अगर इनकी एप्लीकेशन या एग्जाम्पल्स देखें इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, तो इमेज प्रोसेसिंग में जो फाइल कंप्रेशन होती है या इमेज कंप्रेस होता है वो किस बेसिस पे होता है, कि अगर सिमिलर कलर्स हैं तो उनको क्लस्टर जो है वो एक पिक्सल की बेसिस पे उसको आप कंप्रेस कर सके, यानी कि आप इमेज सेगमेंटेशन कर सके, सेगमेंट बना सके ऑन द बेसिस ऑफ कलर के, जो जिस कलर से रिलेटेड पैचेज हैं उनको एक क्लस्टर में रख दिया जाए ताकि कंप्रेस करते हुए फाइल का साइज़ आप रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा समराइजेशन है, रिड्यूस द साइज़ ऑफ लार्ज डेटा सेट, अगर आपने पूरा वर्ल्ड का या कंट्री का सेंसस की इंफॉर्मेशन शो करनी है या किसी भी किस्म का डाटा जो है उसको मैप की फॉर्म में प्रेजेंट करना है या इलेक्शन के रिजल्ट्स को प्रेजेंट करना है या वेदर कंडीशंस को शो करना है, तो आप उनका भी क्लस्टर बना के इस तरह से शो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नोशन ऑफ अ क्लस्टर कैन बी एम्बिगुअस, अब क्लस्टर्स को जो है कितने क्लस्टर्स में आप डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक भी हो सकता है,
छः में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, थ्री में कर सकते हैं, टू में कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से किसी भी डेटा को आप क्लस्टर्स, डिफरेंट क्लस्टर्स में ग्रुप कर सकते हैं। तो अगर आप रिकॉल करें के नियरेस्ट नेबर को, तो उसमें के की वैल्यू के ऊपर हम डिपेंड करते थे कि जितने नेबर्स की वैल्यू होगी, टू होगी, थ्री होगी, फाइव होगी, उतने नेबर्स को हम चेक करते थे उनके लेबल्स को, उसकी बेसिस पे हम अपने अन जो प्रडिक्टेड वैल्यू होती थी उसको प्रडिक्ट करते थे। तो यहाँ पे भी हम के की वैल्यू यूज़ करेंगे जो कि हमें बताएगा कि हमने कितने क्लस्टर बनाने हैं अपने इस डेटा सेट के। सो उसके बाद मेजर द क्वालिटी ऑफ क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग की जो क्वालिटी है जो हमने शुरू में बात की थी कि उसको हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बेसिस पे हम क्लस्टर बनाएंगे, यानी कि जो एक इंटरेस्ट सिमिलर पॉइंट्स हैं उनको एक क्लस्टर में हम ग्रुप कर देंगे, और जो डिफरेंट इंटरेस्ट वाले वैल्यूज़ हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम डिफरेंट दूसरे क्लस्टर्स में कर देंगे। तो अगेन सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी मेजर करने के लिए जो हम फार्मूला या फंक्शन यूज़ करेंगे वो हम इक्लूडियन डिस्टेंस वेरी वेल नाउन है आपके लिए, उसको यूज़ कर सकते हैं, मैनहट्टन कर सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी डिस्टेंस फंक्शंस हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। एनी वो हम वही इक्लूडियन ही अपना यूज़ करेंगे क्योंकि आपके लिए भी फेमिलियर है, कैलकुलेट करना आसान होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्लस्टर्स की, तो यहाँ पे फाइव इसकी टाइप्स हैं। ये जो लास्ट है ये लास्ट, चलिए वन बाई वन देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि लास्ट लाइन जो है किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है। तो फर्स्ट वन टाइप इज वेल सेपरेटेड क्लस्टर है, सेंटर बेस्ड क्लस्टर्स, कंटिजुअस क्लस्टर्स हैं, डेंसिटी बेस्ड हैं, प्रॉपर्टी और कंसेप्चुअल बेस्ड क्लस्टर्स हैं। तो प्रॉपर्टी और कंसेप्चुअल बेस्ड जो क्लस्टर्स हैं इनको डिस्क्राइब हम कर सकते हैं बाय एन ऑब्जेक्ट। ये प्रॉपर्टी है कंसेप्चुअल क्लस्टर की, लेकिन मिस्टेकनली ये यहाँ पे पॉइंट वन के है। तो फाइव टाइप्स ऑफ क्लस्टर है, इंडिविजुअली हम वन बाई वन इनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं वेल सेपरेटेड क्लस्टर। सो वेल सेपरेटेड क्लस्टर्स इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट एनी पॉइंट इन अ क्लस्टर इज क्लोजर और मोर सिमिलर टू एवरी पॉइंट इन द क्लस्टर दैन टू एनी पॉइंट नॉट इन द क्लस्टर। यानी कि सिंपल सी बात है कि हर वेल सेपरेटेड है, यानी कि हर एक पॉइंट अपने क्लस्टर में मौजूद वैल्यूज़ के साथ ज़्यादा सिमिलर है, ज़्यादा क्लोज होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर पॉइंट्स इन द क्लस्टर। सो वेल सेपरेटेड है। इसके बाद सेकेंड टाइप आ जाती है सेंटर बेस्ड। सेंटर बेस्ड क्लस्टर जो है इसमें क्या करते हैं कि हम किसी भी पॉइंट को एक सेंटर बना लेते हैं और उसके बाद बाकी जितने भी हमारे ग्राफ में पॉइंट्स होते हैं उनको हम उस एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर उस पॉइंट से जिसका डिस्टेंस कम आएगा उनको हम उस एक ए क्लस्टर में हम ऐड कर देंगे, और अगर किसी और बी पॉइंट हम रख लेते हैं जिसकी बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं उस सारे पॉइंट्स का उस बी क्लस्टर से भी डिस्टेंस, और अगर उससे डिस्टेंस कम हो तो हम उसमें उसको ग्रुप कर देते हैं। यानी कि ए और बी दो हम सेंटर डिफाइन कर लेते हैं सारे डेटा ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और हर एक पॉइंट का उन ए और बी पॉइंट से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वो ए से क्लोजेस्ट हैं तो वो ए के क्लस्टर में आ जाएंगे, और अगर वो बी से क्लोजेस्ट हैं, बी के सेंटर से क्लोज हैं, तो उसको हम बी के क्लस्टर में कर देंगे। इस तरह के क्लस्टर की टाइप्स को हम बोलते हैं सेंटर बेस्ड या सेंट्रॉइड क्लस्टर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लस्टर जो है वो कंटिजुअस क्लस्टर है, नियरेस्ट नेबर और ट्रांजिटिव इसको बोलते हैं। कि ये एक पॉइंट अगर उसने हमने चूज़ किया तो उस पॉइंट का नेक्स्ट पॉइंट के साथ डिस्टेंस दिखेगा, फिर थर्ड पॉइंट के साथ, फिर फोर्थ पॉइंट के साथ, फिफ्थ पॉइंट के साथ। यानी कि इसी तरह से जैसे एक आपका नेबर है, नेबर का अपने नेबर के साथ नेक्स्ट और नेक्स्ट, इसी तरह से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता जाएगा, और जो सिमिलर होते जाएंगे वो क्लस्टर की फॉर्म में फॉर्म होते जाएंगे। यानी कि ये सेंटर की बजाय नेबर्स की बेसिस के ऊपर ये वर्क करता है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और इसी तरह से कंटिन्यू रहता है। इसलिए इसकी शेप्स भी डिफरेंट हो सकती है, यानी कि स्फीयर की बजाय ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो अ क्लस्टर इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट सच दैट अ पॉइंट इन अ क्लस्टर इज़ क्लोजर टू वन और मोर अदर पॉइंट्स इन द क्लस्टर दैन टू एनी पॉइंट नॉट इन द क्लस्टर। फर्दर हम देख सकते हैं डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर है, तो डेंसिटी बेस्ड में हम देखते हैं कि कितने पॉइंट्स डेंस हैं और कितने क्लोजेस्ट हैं एक दूसरे से। जस्ट लाइक क्लस्टर इज अ डेंस रीजन ऑफ पॉइंट्स विच इज़ सेपरेटेड बाई लो डेंसिटी रीजन फ्राम अदर रीजन ऑफ हाई डेंसिटी। अगर हाईली डेंस डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह से अगर हम देखें पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो बिग सिटीज़ हैं उनमें पॉपुलेशन ज़्यादा डेंस होती है, तो उनको हम सिमिलर जो हाईली डेंस एरियाज़ होते हैं उनको एक क्लस्टर में हम कवर करते हैं, और जो थोड़े सेग्रीगेट थोड़े दूर दूर के एरियाज़ में होते हैं, यानी कि इतने डेंस लेस डेंस होते हैं, उनको हम फिर डिफरेंट क्लस्टर्स में ऐड करते हैं। तो इसको हम करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन की बेसिस पर गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन कर सकती है, कि जहाँ पर ज़्यादा डेंस एरियाज़ हैं और अगर वहाँ पर कोई
पेशेंट कोविड का निकल आता है तो उससे रिलेटेड कितने एरियाज़ के लोगों को एक क्लस्टर में हम 100 मीटर या 500 मीटर के सिमिलर लोगों का एक क्लस्टर बना के उनको हम लॉक कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों तक जो है वो वायरस इस तरह से स्प्रेड ना करे। तो रियल टाइम में मशीन लर्निंग इस तरह से वर्कआउट करती है कि आप क्लस्टर्स बना लें उनकी पॉपुलेशन की बेसिस पे, उनके एरिया की बेसिस पे, उनके डिस्टेंस की बेसिस पे, ताकि जो ज़्यादा डेंस्ड एरियाज़ हैं उनको एक पॉपुलेशन में आप क्लस्टर में ऐड कर लें और जो लेस डेंस या थोड़े फार अवे एरियाज़ हैं उनको आप डिफरेंट क्लस्टर्स में ऐड कर लें। जो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर जो है वो इस तरह से वर्क करते हैं, ज़्यादा डेंस वैल्यूज़ जो एक दूसरे के करीब करीब होती हैं उनको आप एक क्लस्टर के अंदर ग्रुपिंग कर लेते हैं। जो लास्ट हमारी टाइप थी शेयर्ड प्रॉपर्टी और कंसेप्चुअल क्लस्टर्स, यानी कि सिमिलर इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर, जैसे लाइक फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जिनका सिमिलर इंटरेस्ट होता है वो एक ग्रुप के अंदर क्लस्टर ऐड हो जाते हैं, जिनका जिनके ओवरलैप करते हैं इंटरेस्ट। तो सिमिलर ग्रुपिंग सिमिलर इंटरेस्ट की बेसिस में हम इनको इस तरह से क्लस्टर कंसेप्चुअल क्लस्टर्स में ऐड कर सकते। ओके, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम की हम बात कर रहे थे तो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में जो फर्स्ट एग्जांपल है वो के मीन्स है। के मीन्स और इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। हायरार्की क्लस्टरिंग आ जाती है और डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग आ जाती है। तो यहाँ पे जो हम इस क्लास में कवर करेंगे वो के मीन्स करेंगे। के मीन्स एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है, उसका जो एल्गोरिथम है आइटरेटिव क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, यानी कि इसके मल्टीपल आइटरेशन चलती है। के नियरेस्ट टेबल अगर आपको याद है तो उस पर भी हम आइटरेशन के बेसिस पर हम इसको चलाते थे। तो इनिशियली हम पिक करेंगे कि ये रैंडम पॉइंट्स एज अ क्लस्टर सेंटर के तौर पर, क्योंकि ये की वैल्यू अगर 2 होगी तो हम सारे डेटा को 2 क्लस्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ग्रुप कर देंगे, और अगर के की वैल्यू 3 होगी तो हम सारे के सारे डेटा को 3 क्लस्टर्स में बना देंगे। तो के की वैल्यू डिपेंड करती है जितने आप रैंडम पॉइंट्स उसको चूज़ करते हैं, आइदर 3 या 5, 7, 9 और एनी नंबर्स। उसके बाद आ जाता है रिपीट लूप लगेगा इसका, कि सबसे पहले हम असाइन करते हैं सेंटर पॉइंट्स, असाइन डेटा पॉइंट्स टू क्लोजेस्ट क्लस्टर सेंटर, यानी कि एक दफ़ा आपने इनिशलाइज़ करवा लिया क्लस्टर्स के पॉइंट्स को, उसके बाद बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे पॉइंट्स होंगे उनको उन सेंटर के साथ उनका डाटा जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। राइट साइड पर अगर आप इमेज देख सकें तो मल्टीपल डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मैप किया गया है। अब यहाँ पे आप के की वैल्यू अगर 2 होगी तो आप 2 क्लस्टर्स में इन डेटा को ग्रुप कर सकते हैं, और अगर आप 5 रखते हैं तो 5 में ये सारे के सारे डेटा जो है वो कवर हो जाएंगे। इनिशियली हम ये करते हैं के मीन्स एल्गोरिथम के अंदर कि हम डेटा पॉइंट्स के सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, एंड डिस्टेंस के बेसिस पर फर्दर हम जो है उनको असाइन करते हैं वैल्यूज़। सेकेंडली जब एक आइट्रेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमें चेंज करना है क्लस्टर का सेंटर, यानी कि सेंटर पॉइंट को हम अपडेट करके उसकी मेन वैल्यू निकाल लेंगे सारे क्लस्टर की वैल्यूज़ का, और उसके बाद सेंटर पॉइंट्स को अपडेट कर देंगे। और इस लूप को हम तब तक चलाते जाएंगे जब तक कि हमारे सेंट्रॉइड्स या सेंटर पॉइंट्स हैं वो चेंज नहीं होते, मल्टीपल आइटरेशंस के लिए वो उनका जो मेन वैल्यू है वो सेम रहेगा। सो अगर इस चीज़ की अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही है तो पैनिक ना हो, हम इसको फर्दर जो हमारी प्रैक्टिस एग्जांपल होगी उसमें दोबारा इसको मैं कवर करवाऊँगी इन डिटेल। अभी आप सिर्फ इसका एल्गोरिथम देख लें कि ये किस तरह से वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर राइट साइड पर है 5 सेंटर पॉइंट्स इनिशियली जो है वो इनिशलाइज किए गए थे, और बाकी सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स के साथ उनका डाटा कैलकुलेट किया गया था, और एट द एंड ऑफ द डे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने उन सेंट्रॉइड्स के साथ कपल कर दिया या ग्रुप कर दिया, और उसके बाद हमने के की वैल्यू जो है उसको सेंट्रॉइड को चेंज किया। के मीन्स क्लस्टरिंग एग्जांपल एक और यहाँ पे है कि पिक के रैंडम पॉइंट्स इस क्लस्टर सेंटर्स। यहाँ पे के की वैल्यू 2 सेट की गई है, यानी कि इस सारे जो हमारा यहाँ पे डाटा सेट्स शो हो रहा है जिसको हमने मैप किया है उसमें 2 क्लस्टर पॉइंट्स रेड एंड ब्लू जो है वो सेंट्रॉइड इनिशियली हमने इनिशलाइज किए हैं। नेक्स्ट, और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स का उन सेंटर पॉइंट्स के साथ हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। सो सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा कि सारा जो डिस्टेंस रेड एंड ब्लू के साथ उसमें सेग्रीगेट वैल्यूज़ हो गई हैं, उसके बाद हमने सेंटर पॉइंट्स को अपडेट किया है। स्टेप 2, चेंज द क्लस्टर सेंटर टू एवरेज ऑफ द असाइंड पॉइंट्स, यानी कि जो असाइंड पॉइंट्स हैं जो रेड क्लस्टर में या ब्लू क्लस्टर में आए हैं उनका सेंटर यहाँ पे कैलकुलेट करके उन सेंटर पॉइंट्स को हम दोबारा यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ठीक है जी, रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, और इसको तब तक हम बार बार रिपीट करते जाते हैं सेंटर पॉइंट्स को अपडेट करके, दोबारा सब पॉइंट्स का उन सेंटर पॉइंट्स से डिस्टेंस कैलकुलेट करके वैल्यूज़ अपडेट होती जाती हैं, जो पहले ब्लू क्लस्टर में थी हो सकता है कि सेकेंड आइटरेशन में वो रेड क्लस्टर में चली जाएँ।
बार बार ये चलता रहता है, मशीन के लिए करना मुश्किल नहीं है। नैनो सेकंड्स में वो कवर कर देती है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेती है। तो हम इसको तब तक कन्वर्ज करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो सेंट्रॉइड पॉइंट्स हैं, जो मीन वैल्यू हम निकालते हैं क्लस्टर के सेंटर, वो डिफरेंट 2 to 3 आइटेशंस तक अगर चेंज नहीं होते, सिमिलर रहते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद डिटेल है केमियंस की। इनिशियली सेंट्रॉइड्स आर ऑफन चूजन रैंडमली, उनको चूज़ किया जाता है। सेंट्रॉइड इज़ टिपिकली द मीन ऑफ द पॉइंट्स इन द क्लस्टर। मीन निकाल के सेंट्रल पॉइंट हम अपडेट करते हैं। क्लोजनेस इज मेजर्ड बाय यूक्लिडियन डिस्टेंस, कोसाइन सिमिलैरिटी और कोरिलेशन। तो किसी भी बेसिस पे हम क्लोजनेस या सिमिलैरिटी, जिसको हम कहते हैं, या डिसिमिलैरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस हैपन इन द फर्स्ट फ्यू आइटरेशंस, क्योंकि फर्स्ट फ्यू आइटरेशंस में ही कन्वर्ज हो जाता है, एल्गोरिदम आपका क्लस्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि फ्यू आइटरेशंस के बाद जो सेंटर पॉइंट्स हैं वो चेंज नहीं होते, बल्कि वो स्टैटिक रहते हैं, यानी कि हमारा जो क्लस्टर है वो रिजिड हो जाते हैं, चेंज नहीं होते। सो शुरू के जो कुछ आइटरेशंस हैं उसमें कन्वर्जेंस ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी कम्प्लेक्सिटी देखें इस एल्गोरिदम की, तो ये डिपेंड करता है एन के एंड आई के ऊपर। एन इज़ द नंबर ऑफ टोटल पॉइंट्स हैं उस डेटा सेट के अंदर, के है नंबर ऑफ क्लस्टर्स, और आई जो है वो नंबर ऑफ आइट्रेशन हैं। सो जस्ट लाइक यहाँ पे देखें।